हेलो डियर, वेलकम टू द सॉल्यूशन हब। माय नेम इज सुनील सिंह। आज हम लोग एनसीईआरटी का 3.12 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। 3.12 3.11 न्यूमेरिकल तक हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका है, सॉल्व कर चुका है। इसका थ्योरी क्वेश्चन भी हमने अपलोड कर दिया है, तो आप लोग प्लेलिस्ट से रेफर कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमने प्लेलिस्ट का लिंक भी दे दिया है। सो मूव करते हैं हम लोग 3.12 पे। इसमें दिया हुआ है अ बॉल इज ड्रॉप। एक बॉल है जिसको जो है एक हाइट है, कुछ हाइट है, 90 मीटर हाइट है, वहां से जो है बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है। ये हाइट जो है 90 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको जो है ड्रॉप किया जा रहा है 90 मीटर हाइट से, और पूछ रहा है कि आप जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओ 0 to t = 0 to t = 12 सेकेंड तक। इट मीन्स हमको जो है टाइम दिया हुआ है t = 0 to t = 12 सेकेंड तक ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको तीन या चार पोर्शन देखते हैं। पहले क्या होगा, सबसे पहले बॉल यहाँ पे आती है, गिरेगी, तो ये क्या करेंगे हम लोग यहां से यहां तक जो फॉल होने में टाइम लेट से t1 है वो निकालेंगे। उसके बाद गिरने के बाद कुछ इसकी वेलोसिटी ड्रॉप होगी, अगेन क्या होगा, फिर ऊपर की तरफ जाएगी, तो क्या करेंगे इसको लेट से t2 टाइम लगेगा, यहां पे पहुंच जाएगी। फिर क्या होगा, t2 से अगेन यहां से क्या होगा, फिर ड्रॉप होगी, ड्रॉप होकर फिर बॉटम में आएगी, तो लेट से t3 टाइम लगेगा, अगेन वेलोसिटी ड्रॉप होगी, फिर ऐसे ऊपर जाएगा। तो देखते कितने कितने टाइम में कितना राउंड कवर करता है 12 सेकेंड में। तो सबसे पहले सिचुएशन लेते हैं हम लोग, उसमें है कि व्हेन बॉल फ्री फॉल फ्रॉम 90 मीटर, ठीक है। तो क्या होगा, यस जो है यहाँ पे दिया है 90 मीटर, और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो जीरो है। इसको हम लोग लेट से ले लेते हैं u1, ठीक है, u1, और इसको जो है s1, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, फाइनल वेलोसिटी क्या है v1 हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है, और डिस्टेंस दिया। तो यहाँ पे हम लोग क्या है, यस पता है, यू पता है, वेलोसिटी पता है, और एक्सीलरेशन जो होगा वो माइनस जी के बराबर होगा। तो हम लोग इसको जो है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में रख देंगे। तो यस इज इक्वल टू हो जाएगा यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो यस जो है 90 मीटर दिया है, यू क्या है जीरो है, टाइम कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ये टाइम टी हो जाएगा, प्लस 1/2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है प्लस नाइन पॉइंट, बिकॉज ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, नीचे आ रहा है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 9.8 और इनटू टाइम का स्क्वायर। सो यहां से जो टाइम आ रहा है वो आ रहा है हमारा 4.28 सेकेंड। सो आंसर जो आ रहा है टाइम का वो आ रहा है 4.28 सेकेंड। इट मींस यहाँ पे जो t1 है यहाँ पे 4.28 सेकेंड में पहुंच जाइए। अब यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे पूछेंगे देखिए वेलोसिटी क्या है। सो वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, फिर से यस पता है, टाइम भी पता चल गया, तो किसी भी इक्वेशन में हम लोग रख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन किसी भी इक्वेशन ऑफ मोशन में रख देंगे हम लोग। तो क्या होगा, लेट से हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में रख देते हैं, तो यू प्लस एटी, तो यहाँ पे वेलोसिटी हम लोग को फाइंड आउट करना है, और इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है तो 9.8 दिया हुआ है, और टाइम कितना लग रहा है तो 4.28 सेकेंड लग रहा है। इसको कैलकुलेट करते हैं, यदि हम वो आ रहा है 42 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, स्पीड की यूनिट होते हैं 42 मीटर पर सेकेंड, 42 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे जब आएगा तो यहाँ पे जो उसकी वेलोसिटी होगी वो होगी 42 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि जब यहाँ से अगेन अब ऊपर जाएगा, यहाँ पे तो आगे अब ऊपर जाएगा, तो अब क्या हो जाएगा, केस हमारा जो है 2 हो जाएगा। केस 2 क्या है, व्हेन बॉल मूविंग अपवर्ड, ठीक है। अब क्या है, बॉल हमारा जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जो हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी होगा u2 वो क्या होगा, वो हमारा जो ये वेलोसिटी है इसका 1/10 रह जाएगा। इट मींस 1/10 लॉस हो जाएगा, 9/10 रह जाएगा। इट मींस जो हमारी वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 42 × 9/10, तो ये आ जाएगा 37.8 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे जो वेलोसिटी हो जाएगी 37.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इट मींस ये जो यहां से जाएगा बॉल वो जो जाएगा u2 वेलोसिटी से जाएगा, यहां पे पहुंचकर क्या होगा, इसकी अगेन वेलोसिटी जो है जीरो हो जाएगी। तो हम लोग को क्या निकालना है, मेनली टाइम निकालना है, यहां से यहां पे कितना टाइम लगेगा, t2 निकालना है, तो t2 निकालना है हम लोगों को। तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में सिंपली पुट कर देंगे, तो v = u + at, तो वेलोसिटी क्या है जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 37.8 है, प्लस
अब एक्सिलरेशन क्या हो जाएगा, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो एक्सिलरेशन माइनस जी काम करेगा, इट मीन माइनस 9.8 और इंटू जो है टी हो जाएगा। तो टी यहां से यदि कैलकुलेट करते हैं तो वो आ रहा है 3.85 सेकेंड्स, इट मीन्स ये आ रहा है 3.85 सेकेंड। इट मीन्स जो टी टू है वो 3.85 है, इट मीन्स यहां से यहां तक जाने में इसको 3.85 सेकेंड लगेगा। अब क्या जब यहां पे पहुंच गया तो अगेन क्या होगा, थर्ड केस होगा वो फ्री फॉल होने लगेगा। सो हम लोग पहुंचते हैं केस थ्री पे। केस थ्री, केस थ्री में क्या होगा, व्हेन बॉल अगेन फ्री फॉल, तो क्या होगा इसको नीचे अगेन आने में जो टाइम लगेगा बॉटम पे आने में वो इतना जो है टाइम लगेगा 3.85 सेकंड अगेन लगेगा। सो टाइम जो टी थ्री हो जाएगा वो 3.85 सेकंड हो जाएगा। अब क्या करेंगे यदि हम टोटल टाइम कैलकुलेट करें, टोटल टाइम टी इक्वल टू टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री, ये कितना हो जाएगा, तो फर्स्ट जो टाइम है टी वन वो कितना है, वो यहां पे है और ये है टाइम हमारा इतना 4.28। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 4.28 प्लस 3.85 प्लस 3.85, यदि इसको कैलकुलेट करें तो ये हो जा रहा है 11.98, इट मींस अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हो जाएगा 12 सेकेंड। इट मींस क्या होगा, हमारे में तीन सिचुएशन होगी। पहली सिचुएशन में क्या होगा, बॉल जो है ऊपर से गेंद ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, देन नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी और उसके बाद फिर ऊपर से नीचे की तरफ, इतने में 12 सेकंड हमारा हो जाएगा। सो ग्राफ ड्रा कर देते हैं हम लोग। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें हम लोग टाइम लेंगे और इधर हम लोग ले सकते हैं स्पीड और इधर हम लोग ले लेते हैं टाइम। ठीक है, टाइम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, इट मीन 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये है 5, 6, 7, 8, ये है 8, 9, 10, 11, 12, ये है 12। ठीक है, स्पीड क्या लेंगे, तो ऐसे स्पीड हम लोग ले लेंगे कुछ, हमारी जो स्पीड आ रही है देखते हैं क्या क्या स्पीड आ रही है, तो जो स्पीड आ रही है कितने मीटर चल रहा है, 42 मीटर पर सेकेंड में फाइनली पहुंचेगा। सो पहली स्पीड जो है 42 मीटर पर सेकेंड, इट मीन्स हम लोग लेट से इसको कर देते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, ये हो गया 10, ये हो गया 20, 30, 40। ठीक है, तो यहाँ पे 42 मीटर पर सेकेंड पे आएगा। तो क्या हो रहा है कि पहला जो टाइम है टी वन वो हो रहा है, वो टाइम है 4.2, इट मीन्स 4.2 पे हमारी जो वेलोसिटी है वो है हमारी वेलोसिटी 4.2 पे वेलोसिटी है, एक सेकेंड इसको देख लेते हैं ना, कैलकुलेटर की 4.28 सेकेंड पे वेलोसिटी है 42 मीटर पर सेकेंड, इट मीन्स 4.28 सेकेंड पे वेलोसिटी है 42 मीटर पर सेकेंड। तुरंत अगले ही टाइम में यदि t इक्वल टू लेट से 4.29 हो रहा है तो क्या हो जा रही है, वेलोसिटी जो हो जा रही है वो हो जा रही है 38 लॉस हो जा रहा है ना, तो वो है वैल्यूज ये 37.8, तो ये है v2 जो हो जा रहा है 37.8 मीटर पर सेकेंड। तो क्या होगा, ये 5, 6, 7, 8 हो गया, तो 4.28 समथिंग यहाँ पे कहीं होगा, यहाँ पे वेलोसिटी है इसकी 42 मीटर पर सेकेंड, तो ये है हमारा 42 समथिंग यहाँ पे कहीं होगा। ठीक है, उसके बाद अगले ही सेकेंड में वेलोसिटी कितनी आ जा रही है, 37 समथिंग यहाँ पे आ जा रही है। उसके बाद कब तक रह रही है, तो ये वेलोसिटी जो है धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है और 3.85 सेकेंड तक जो है जा रही है, 3.85 सेकेंड तक। तो 4.29 प्लस जो टोटल टाइम हो जाएगा वो हो जाएगा 4.28 प्लस
3.85, ये आ जा रहा है 8.13, 8.13 सेकेंड। इट मीन्स 8.13 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनली जो है आकर के यहाँ पे जीरो हो जाएगी। जीरो से फिर 8 सेकेंड इनिशिएट होगा, तो यहीं पे इसकी 37 पॉइंट समथिंग के बराबर जो है इसकी वेलोसिटी 12 होते होते पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग ड्रा कर देते हैं। तो इसका ग्राफ जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा, यहां से चलेगा, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, इसका जो है कलर हम लोग चेंज करते हैं रेड। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट नेक्स्ट मोमेंट पे अगेन फिर यहां पे चलाएगा, ये क्या होगा, इसकी वेलोसिटी जो है ड्रॉप होगी। और उसके बाद क्या होगा, अगेन नेक्स्ट मोमेंट पे यहां से फिर जो है आएगा वो यहाँ पे, कलर हमारा रेड हो गया। ठीक है, ठीक है, अब क्या होगा, नेक्स्ट मोमेंट पे क्या करेगा, अगेन वो जो है यहां से यहाँ पे पहुंच जाएगा, इसका भी कलर हम लोग रेड कर देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो है यहां से और यहां तक ये जो है थोड़ी सी जो है वेलोसिटी जो है लॉस हुआ है, बाकी ऐसे ऐसे ये ग्राफ हो जाएगा हमारा। ये जो स्पीड है वो है 42 मीटर पर सेकेंड, ये है 37.8 मीटर पर सेकेंड, अगेन यहाँ पे 37.8 मीटर पर सेकेंड होगा। और ये जो टाइम है यहाँ पे वो है टाइम, वह है 4.2 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे जो टाइम है 8.13 सेकेंड, यहाँ पे जो टाइम है वो है 8.13 सेकेंड। तो ये हमारा जो है फाइनल ग्राफ रहा। आई होप गाइज ये क्लियर हो गया होगा, यदि नहीं क्लियर होगा तो आप लोग वीडियो रिपीट करके दोबारा से देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज।